देहरादून के जिस अस्पताल में स्वामी रामदेव ने अनशन तोड़ा, उसी हिमालयन अस्पताल में स्वामी निगमानंद ने दम तोड़ दिया। 74 दिन से आमरण अनशन पर बैठे थे स्वामी निगमानंद, जो साधु संत रामदेव का अनशन तोड़वाने लामबंद हो गए थे। उन संतों ने क्यों स्वामी निगमानंद को मरने छोड़ दिया? क्या रामदेव का अनशन तोड़ना भी पहले से फिक्स था? स्वामी रामदेव 9 दिन अनशन पर रहे तो देश के जिस संत समाज ने देहरादून में डेरा डाल दिया और रामदेव का अनशन तोड़वाए बिना हिमालयन अस्पताल से नहीं हिले। उन संतों को उसी हिमालयन अस्पताल में भर्ती स्वामी निगमानंद की सुध क्यों नहीं आई? क्या निगमानंद का ये कसूर था कि उन्होंने निशंक सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी और रामदेव को संतों का साथ सिर्फ इसलिए मिला कि निशंक ने रामदेव का अनशन तोड़वाने की योजना बनाई थी? अगर सच यही है तो फिर इन तथाकथित संतों को संत कहना भी गलत होगा। गंगा किनारे से स्टोन क्रैशर हटवाना चाहते थे निगमानंद। 74 दिन के आमरण अनशन से कोमा में चले गए थे, क्यों निगमानंद का अनशन नहीं तोड़वाया गया? लगता है देश के उन संतों की अब कोई कीमत नहीं रही जिनके पास दौलत नहीं है, जिनकी दुनिया में कोई शोहरत नहीं है। तभी तो रामदेव को मनाने श्री श्री रविशंकर देहरादून तक पहुंच गए और तब तक वापस नहीं आए जब तक कि रामदेव ने अनशन नहीं तोड़ दिया। लेकिन 74 दिन के अनशन से कोमा में पहुंचे निगमानंद जैसे संत को देखने कोई नहीं गया, सिर्फ इसलिए कि निगमानंद हरिद्वार में गंगा किनारे स्टोन क्रशर बंद कराने को लेकर अनशन पर बैठे थे। स्वामी निगमानंद जी महाराज थे, मात्र सदन कनखल हरिद्वार से इनको लाया गया था। ये बताया गया है कि ये वहाँ पे 68 दिन तक अनशन पे अपने आश्रम में ही बैठे हुए थे। अनशन का इनका कारण था गंगा बचाओ अभियान और जो खनन रोकने हेतु की मांग को लेकर के ये आमरण अनशन पे बैठे थे। 68 दिन बाद इनकी हालत जब ख़राब हुई तो इनको देहरादून रेफ़र किया गया और देहरादून से इनको जौलीग्रांट रेफ़र किया गया है और आज इनका देहांत हुआ है। देश में अन्ना के अनशन पर सैलाब उमड़ गया, रामदेव को अनशन तोड़वाने में संघ तक जुट गया। पर्दे के पीछे से रामदेव बीजेपी से बातें करते रहे, क्यों निगमानंद की मांगे निशंक ने नहीं मानी? स्वामी निगमानंद को बीजेपी की सरकार ने मरने छोड़ दिया। 74 दिन तक उन्होंने अनशन किया, कोमा में चले गए, लेकिन बीजेपी की सरकार ने निगमानंद की सुध तक नहीं ली। उधर रामदेव का अनशन तोड़वाने संघ से लेकर बीजेपी तक ने रामदेव से पर्दे के पीछे से बात की। सवाल ये है कि क्यों निशंक ने निगमानंद का अनशन तोड़वाने की पहल नहीं की? क्यों उन्हें मरने छोड़ दिया गया जबकि वो उसी गंगा को बचाने की मुहिम पर थे जिसकी आरती उतारने निशंक से लेकर अडवाणी तक गंगा स्पर्श करने जाते हैं? राजेंद्र नेगी, देहरादून, इंडिया न्यूज।